आप सब, खेसारी लाल यादव का म्यूजिक कंपनी जिसका नाम था खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड, वो हैक हो चुका है, आप सबको पता होगा। वहीं पे अंकुश राजा का यूट्यूब चैनल हैक हुआ था, वो वापस आ गया है। इसके पीछे कौन जिम्मेवार है, किसका मास्टरमाइंड है, कौन करवा रहा है ये सब, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। बने रहिए लास्ट, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात समझने की कोशिश यहां से करते हैं, कैसे गुमराह किया जा रहा है। यहां पे अंकुश राजा का यूट्यूब चैनल हैक करा दिया जाता है और खेसारी भाई का यूट्यूब चैनल हैक करा दिया जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद अंकुश राजा का यूट्यूब चैनल आ जाता है लेकिन खेसारी भाई का यूट्यूब चैनल नहीं आता है। बात यहां से समझने की कोशिश करते हैं, हाल फिलहाल में खेसारी भाई का यहाँ पे गाना रिलीज हुआ था दढ़िया बढ़िया लागेला, वो जो है कि अभी वर्ल्ड लेवल पे ब्लॉकबस्टर हिट हो चुका है, रील्स इतने ज्यादा बन रहे हैं उसपे, उसी टाइम पे चैनल को डिलीट करा दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो खेसारी भाई के दुश्मन जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने ज्यादा है, और एक बात समझ में नहीं आ रहा है, क्यों खेसारी लाल यादव का सिर्फ यूट्यूब चैनल हैक हुआ, यहाँ पे बहुत म्यूजिक कंपनी है, वो क्यों नहीं हैक हुआ। अब भैया थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा देवी गीत भोजपुरी का वहीं पे 250 मिलियन क्रॉस होने वाले थे, उससे पहले यूट्यूब चैनल डिलीट करा दिया जाता है। अब भैया बात ऐसा है, ये शक जाता है सीधा पवन सिंह के ऊपर, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऊपर, क्या वही सब इसके पीछे हाथ है, उन्हीं सब का हाथ है? तो भैया ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा केस बहुत बार देखा गया है। हो सकता है गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा हो, क्योंकि दो यूट्यूब चैनल हैक होते हैं लेकिन अंकुश राजा का वापस आ जाता है, खेसारी लाल यादव को वापस नहीं आता है, ऐसा क्यों? खेसारी लाल यादव का यूट्यूब चैनल क्यों हैक हुआ, उन्हीं का सिर्फ क्यों? क्योंकि खेसारी भाई के गाने डिलीट हो रहे हैं, उनके गाने ब्लॉक हो रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल डिलीट करने में कोई बड़ी बात नहीं, मैसेज भी कर रहे हैं देखो बहुत लोग। तो भैया ये सब जो हो रहा है इसके पीछे कोई जरूर मास्टर माइंड है, ऐसे यूट्यूब चैनल हैक नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई खेसारी भाई के बीच का बहुत बड़ा दुश्मन है। कभी जब तक हम किसी लिंक पे क्लिक नहीं, ऐसे देखा जाए तो मुझे भी हजार मेल आते हैं, हजारों मेल आते हैं दिन भर कि मेरा प्रमोशन कर दो, यहाँ पे लिंक कर दो, हम इतना पैसा देंगे, उतना पैसा कर देंगे, लेकिन मैं कभी भी क्लिक नहीं करता हूँ। तो वही खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड की तरफ से गलती हुआ होगा, कहीं ना कहीं जरूर है, मेल पे क्लिक किया गया होगा, लिंक पे क्लिक किया गया होगा, तब वहां से पासवर्ड शेयरिंग होता है, यही हुआ होगा मेन रीजन मुझे लगता है। और यहाँ पे किसी का भी ऊपर शक जा सकता है, करवा सकते हैं, जो आदमी गाना डील करवा सकता है, ब्लॉक करवा सकता है, उस चैनल हैक भी करवा सकता है, भाई पैसा की खेल है। तो अब तो देखते हैं कि चैनल जल्द से जल्द वापस आ जाए, अगर चैनल वापस आने के लिए चाहते हो आप लोग तो करना क्या होगा कि ट्विटर पे जाइए, वहां पे लिखिए खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड हैक, इससे पता चल जाएगा ट्विटर को यूट्यूब को कि भाई सच में वो चैनल हैक हो चुका है, तभी लोग इतना ट्वीट कर रहे हैं। जल्द से जल्द उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा हमारी YouTube टीम, बाकी आप सबका यही है सपोर्ट चाहिए। बाकी चलते हैं आज की वीडियो में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ले टाटा बाय बाय, नमस्कार।